दोस्तों गुलदाउदी के फूल काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कीड़ा इंसेक्ट अटैक करता है तो पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है, फूल लेना तो दूर की बात। जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं और इनके ऊपर ये आप काले रंग के जो मच्छर जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, दोस्तों इनका खात्मा हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये चीज हर घर में मौजूद होती है, आप दवाई खरीदने जाएंगे, दवाइयों पर पैसा लगाएंगे, इंसेक्ट इंसाइड खरीदेंगे और उससे प्रदूषण भी। राख के इस्तेमाल से हमारे पौधे पर कीड़ों की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है और पौधे से कीड़े जो है वो चले जाते हैं और आपका पौधा बिना कोई पैसा खर्च किए। दोस्तों ये गार्डन की राख है, ये बड़ी ही काम की चीज है, अपने पौधों में यूज कीजिए और इस तरीके से अपने पौधों पर ऐसे इस तरीके से हाथ में लेकर और इस तरीके से छिड़कना है आपको, बिल्कुल फाइन, तो आपके पौधे पर जितने भी कीड़े होंगे वो छोड़। दोस्तों अपने पौधे पर जो ये हम राख का छिड़काव करते हैं, इससे होता क्या है कि हमारे पौधे के वो पोटास मिलता है, फास्फोरस मिलता है और इसके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट होता है जो पौधे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 15 दिन में उठाओ और इसे ही डालना पौधे में शुरू कर दो, ये अल्कलाइन होता है, सोइल के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी मिट्टी जो होती है वो अल्कलाइन हो जाती है, एसिडिक नहीं रहती है, पौधे को एसिडिक सोइल पसंद होती है। तो आप गोबर की खाद वगैरह यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, लेकिन उसके साथ जैसे कीड़ों का उपचार के लिए या फिर कीड़ों से बचाने के लिए आप राख का अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। जब आप राख का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर पोटास की जो पूर्ति है वो हो जाती है आपके पौधे की, और आपके पौधे पर जो फूल आते हैं उनका कलर जो होता है वो बिल्कुल चटक होता है, बहुत ही सुंदर कलर आता है। तो इसलिए आप राख का जो है यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि एक फर्टिलाइज़र भी और एक इंसेक्टिसाइड भी, दोनों काम करता है, बहुत ही फ्री की चीज़ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।